क्या वजन होगा इसका? 450 ग्राम, 500 ग्राम, 650 ग्राम, तीन तरह के वो पट्टे होते हैं। मतलब 40,000 की? हाँ, चांदी उसमें होती। क्या नाम है शुभम ये डिजाइन का जो काका जी बना रहे हैं? वो अभी निमगोल में आएगा, नॉर्थ के साइड में लोगों को पसंद आता है वो। स्टील के बॉल और पिन है ये, इनके बीच में चांदी का घर्षण होता है। इस वर्कशॉप में जहाँ तहाँ नीचे ये सब चांदी बिखरी पड़ी है। ज्यादा से ज्यादा लोग चांदी में ही रहते हैं, तो उनके लिए कुछ वो नया नहीं है इधर। शुद्ध चांदी का गहना नहीं बनता? शुद्ध चांदी का गहना नहीं बनता। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। हम फिलहाल कोल्हापुर के पट्टन कुड़ोली गांव में हैं, एक आम देहाती इलाका। और ये सराउंडिंग देख करके आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे क्या ही होता होगा, खेती किसानी लोग करते होंगे, उनके नॉर्मल जिस तरह के भारत के गांव में घर होते हैं उसी तरह के नज़र आ रहे हैं, कच्चा रास्ता है। लेकिन क्या हो अगर हम बताएं कि आप जितने घर आसपास देख रहे हैं, एक एक घर में चांदी का काम होता है, और छोटा मोटा नहीं, कई कई किलो चांदी का काम रोज़ होता है। यहाँ चांदी के हैंडीक्राफ्ट बनते हैं एक एक घर में, और पूरा प्रोसेस यहाँ के लोग घर में ही उसको पूरा अंजाम दे देते हैं। प्योर चांदी लाने से लेकर के गहने बनाकर उन्हें पॉलिश करके मार्केट करने तक का काम घर में होता है। तो ये चांदी की कॉटेज इंडस्ट्री है कोल्हापुर की, और एक एक दिन में कई कई टन चांदी यहाँ पे प्रोसेस होती है। कैसे प्रोसेस होती है, कैसे गहने बनते हैं घर घर में यहाँ पे, वो हम आपको बताएंगे। और ऐसे ही एक परिवार के पास हम पहुँचे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें अपने घर में आने दीजिए, एक बार हम देखना चाहते हैं। तो और वो अग्री कर गए एक बार की मुलाकात में। तो ये एक औसत घर है पट्टन कुड़ोली का, जिसके अंदर चांदी लगभग जितने पुराने घर हैं आपको ऐसे ही नज़र आएंगे, ये पत्थर की दीवारों वाले, और ये इसकी चौड़ाई इतनी है जितना दरवाज़ा है, ये इतनी चौड़ी दीवार है इस घर की। और इस घर में शुभम रहते हैं। शुभम, बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप में, आपने हमें अपने घर में आने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका परिवार कब से काम कर रहा है शुभम? हमारा परिवार हमारे दादाजी के टाइम से ये काम कर रहा है। और रोज कितना काम, और रोज कितनी चांदी का काम हो जाता है आपको? रोज लगभग 1 किलो तक का काम हो जाता है। अच्छा, और कौन कौन करता है ये काम? मैं, मेरे पिताजी, मेरा छोटा भाई, हम तीनों मिला के यहाँ काम करते। अच्छा, ये यहीं बैठ करके? यहीं बैठ कर हम काम करते हैं सब। वो हाथ सिर्फ हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, यहाँ जो कड़े होते हैं ना, जो लेडीज हाथ में पहनते हैं, जैसे ये कड़ा है, ये कड़े जैसा, यहाँ सब हैंडीक्राफ्ट बनता है। और घर घर में लोग अपना, यहाँ सब, यहाँ ज़्यादा से 90% तक लोग हम यही काम करते हैं, जब चांदी की ढलाई का हो, कुछ और हो, लेकिन यहाँ सब चांदी के रिलेटेड ही सब काम करते हैं। ठीक है, तो हम शुभम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप एक बार पूरा ये प्रक्रिया दिखाएं, बताएं। सबसे पहले जो चांदी आती है वो आप कहाँ रखते हैं, क्या हम वहाँ जा सके देख सकते? आज ही दिखाती है। इस घर में कई किलो चांदी फिलहाल रखी हुई है, लेकिन दरवाज़ा नॉर्मल है, जो जैसा आम घरों में होता है, नॉर्मल चिटकनी वाला दरवाज़ा। कोई सेफ्टी का खास इंतज़ाम नहीं है, कोई CCTV नहीं है। और मैंने पूछा इनसे, क्यों शुभम यहाँ इतनी चांदी आपके घर में रखी हुई है, ऐसा दरवाज़ा खुला रहता है, कोई खास ऐसा मतलब लोहे का दरवाज़ा वगैरह कुछ नहीं है? कुछ नहीं, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग चांदी में ही रहते हैं, तो उनके लिए कुछ वो नया नहीं है इधर। सोना चांदी मतलब लोगों के लिए नॉर्मल है, और यहाँ घर घर में 100-200 किलो होता ही है एक बार में। तो ऐसे चोरी वगैरह का कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, लोग यहाँ तक कुछ नहीं करते। यहाँ हाउस होल्ड ही है सब, तो कुछ लोग वही रहते, कुछ लोग पास वाले रहते, तो इसके ज़्यादातर सिक्योरिटी कुछ नहीं होती, और भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इसलिए चोरी भी कुछ नहीं होता। तो ये प्योर चांदी का बिस्किट, ये प्योर चांदी है, देखो अभी इस पे लिखा है KBR, रिफाइनरी का, वो KBR मतलब वो जो रिफाइनरी से आया है, उस रिफाइनरी का वो नाम होता है, और उसमें नीचे उसका परसेंटेज लिखा है कितना, 100% उसमें चांदी है। अच्छा, तो ये जैसे ये भारत का ही चांदी है, या फिर ये इम्पोर्ट हुआ है?
नहीं अभी ये लोकल का ही है, जो कच्चा माल जाता है ना वो रिफाइनरी में जाकर वो चांदी अलग निकाल दे, तांबा अलग निकाल दे, वो वहाँ के रिफाइनरी से आया है। वो एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का माल आता है, वो बड़े बड़े शहरों में आता है, वो छोटे वहाँ से हमको आएगा, वो कहाँ कौन लोकल का होगा और कौन इम्पोर्टेड होगा हमको नहीं मालूम। बड़ी अलग फीलिंग होती है आधा किलो चांदी जब आपके हाथ में हो तो। ये अभी ये इसमें हम जितना कस्टमर का नीड होता है वो अलग अलग, जहाँ कहाँ 80% चांदी का हॉलमार्क जाता है, कभी 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 90% का जाता है, वो जिसको जितना चाहिए उतना वो हमको अलॉय बना के हम उनको गहने बना के दे देते हैं। अच्छा, तो ये पहले ये प्योर चांदी है, इसके बाद क्या करेंगे आप? हम इसके हम ढलाई करेंगे। अच्छा। उसमें थोड़ा सा तांबा डालकर, जैसे कि वो शेप पकड़े और थोड़ा हार्ड हो जाए। वो सिर्फ चांदी का नहीं बनता, कोई भी ऑर्नामेंट हो या जेवरात हो, वो सिर्फ चांदी के और सिर्फ सोने के नहीं बनते। ये जो लोग बोलते हैं कि शुद्ध चांदी मतलब शुद्ध चांदी का गहना नहीं बनता, शुद्ध चांदी का गहना नहीं बनता, शुद्ध चांदी में जो बनता है वो सिर्फ मेल्टिंग में आता है, वो क्या बोलते हैं हमको, कास्टिंग में आता है। वो ढलाई कर लेंगे और वैसा ही सोना वो पिघला के तैयार कर देंगे, उसका सिर्फ मूर्ति बनेगा। अच्छा, मूर्तियां बन सकती है शुद्ध सोने या चांदी की, गहना जो एकदम बारीक काम वाला वो शुद्ध नहीं, शुद्ध सोने का नहीं बनता। सोने का आता है वो हॉलमार्क आएगा, वो आएगा 92% तक, चांदी भी आएगा 92% तक, उसके नीचे शायद कोई जाता नहीं। अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ दूसरी धातु उसमें। तो पहले ये लेंगे और फिर इसकी ढलाई करेंगे अपन। आपके ढलाई जहाँ करते हैं उसको क्या बोलते हैं आप? हम उसको आठनी बोलते हैं। अच्छा, आठनी। अभी आठनी चल करके हम देखेंगे कि कैसे चांदी पिघलाई जाती है। तो जो घर पे आपने शुद्ध चांदी देखी थी 99.99% की प्योरिटी वाली, उसको फिर यहाँ वर्कशॉप में लाते हैं, और वर्कशॉप में क्या होता है वो शुभम बताएंगे। शुभम जी, यहाँ सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि चांदी को पिघलाना है तो उसको किसी चीज़ में डाल के पिघलाएंगे, तो ये किस धातु के? ये होता है ग्राफाइट का होता है, ये जो मग जैसा दिख रहा है ना, ये ग्राफाइट का होता है। इसमें चांदी डालकर वो इस भट्टी में डाल देते हैं, वो इस भट्टी में डालने के बाद थोड़ा गर्म होने के बाद वो पिघल जाता है, और वो पिघलने के बाद जो साँचा हमें चाहिए, जो रॉड हो, बॉक्स हो या कोई और भी हो, वो उस साइज के हिसाब से ये इसमें हम डाल देते हैं। वो रॉड के लिए, हाँ ये रॉड के लिए, वो जिस साइज में हम शेप में डाल देंगे वो शेप वो पकड़ लेगा। अभी आपने बॉक्स बना के, बॉक्स बना के दिखाया। तो और इसके अंदर कितनी चांदी होती है और कितना तांबा होता है? वो अगर हॉलमार्क का स्टार्ट करें हम, तो हॉलमार्क आता है 80% चांदी से ऊपर का, 80%, 83%, 92% और 99% और 100% पर चांदी होता है। जिसका जितना, जिस व्यापारी को जितना चाहिए वो हिसाब से हम बना के देते हैं। अच्छा, फिर आपने ढाल लिया, फिर उसके बाद में आप उसका वजन करते हैं। हाँ। और ये फिर क्या चेक होता है? हाँ, फिर एक बार चेक होता है कि जितना चाहिए उतना चांदी उसमें है क्या नहीं। चेक कैसे करते हैं? चेक अभी उसका एक टुकड़ा निकालते हैं, वो अगर केमिकल टेस्ट हुआ तो वो केमिकल टेस्ट क्या बोलते हैं, एसिड में उसको डालते हैं, वो एसिड में डालने के बाद वो चांदी बाजू हो जाता है और बाकी का मटेरियल बाजू हो जाता है, और वो उनके कैलकुलेशन के हिसाब से हमको बता देते। अच्छा, मतलब इसमें हेरा फेरी का कोई गेम नहीं है? वो लोग बोलते हैं ना सुनार है, वो कितना चांदी डाला कितना सोना डाला, वो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये वर्कशॉप में आपने चांदी की ढलाई देख ली, अब हम घरों में जाएंगे और फिर से देखेंगे कि कैसे हाथ से पीट पीट करके गहने बनाए जाते हैं यहाँ पे, जो हैंडीक्राफ्ट है चांदी के वो कैसे बनाए जाते हैं घर घर में। तो आपने देखा कि अलग अलग आकारों में चांदी की ढलाई होती है और उसके बाद फिर इस तरह की स्ट्रिप्स बनती हैं। इसके बाद शुभम इसका क्या करते हैं? अभी ये उस मशीन में डालेंगे, वो मिलिंग है, वो मिलिंग वाला मशीन है, अभी उसमें डाल के ये लंबा करके जितना चौड़ा हमें पत्रा चाहिए उतना पत्रा हम इसको बना के लेंगे। इसका क्या रिबिन बना लेंगे? हाँ, लंबा रिबिन बना लेंगे, पूरा सा गोल रिबिन, गोल। तो और जो आपने तार देखे थे उसके लिए मशीन्स आती हैं, उनको एक एक प्रोसेस में धीरे धीरे लंबे तार भी बनते हैं। ये एक चौड़ी स्ट्रिप है तो इसकी इसका एक रिबिन बनेगा, और फिर उसके बाद क्या होगा? अभी वो रिबिन जब बनेगा तो वो फिर गर्म करके उसको कलर लगा के, रेड ऑक्साइड पाउडर लगा के उसमें शीशा डालकर वो गोल कर देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद उसका आगे का प्रोसेस होगा। ये एक अवन भी रखा, अवन अवन किस काम आता है यहाँ पे? वो अभी आधे में आया, वो एक लेवल तक जाके उसको फिर से गर्म करके फिर से लंबा करना पड़ता है, इसलिए वो अवन होता है। ये बिजली से चलता है? हाँ, ये बिजली और गैस से चलता है। बिजली और गैस से चलता है।
अरे भाई भाई भाई, अच्छा खासा गर्म है और अंदर इसके चांदी पड़ी हुई है। वो लाइट थोड़ा ऑफ करेंगे ना तो लाल लाल दिखने लगेगा। हाँ हाँ हाँ, ये लाइट की वजह से अब वो ऐसा दिख रहा है। तो ये और इस वर्कशॉप, मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा, इस वर्कशॉप में जहाँ तहाँ नीचे ये सब चांदी बिखरी पड़ी है और पूरा काम ट्रस्ट पे होता है। यहाँ पे कोई पंच इन पंच आउट नहीं है, कोई सिक्योरिटी कैमराज नहीं है, पूरा काम भरोसे पे होता है। तो अब मिलिंग होगी? हाँ, अभी मिलिंग होगी उसकी। मिलिंग देखते हैं। इसमें लुब्रिकेंट लगाते होंगे, कोई तेल ना? हाँ, वो लुब्रिकेंट होता है, वो 16 नंबर लुब्रिकेंट आता है। और रिस्क रहता होगा, हाथ वाथ बचाना पड़ता होगा? वो उनका अभी, उनको क्या बोलते हैं, वो आदत हो गई ना, वो उनको कुछ नहीं, वो आग बंद के भी कर देंगे। हाँ, नया कोई हो तो उसके लिए थोड़ा सीखने तक उसको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। आप देखेंगे कि हर पास के साथ में लंबाई उसकी बढ़ती जा रही है और हर बार मशीन फिर ज़्यादा लंबे समय तक ये चलती है क्योंकि लंबाई बढ़ गई है पिछले बार से। ये देखिए मेरे हाथ में इतनी हाइट थी, अब देखिए कितनी लंबी, कितना लंबा हो गया ये, मेरी हाइट से ज़्यादा है, 6 फीट से ज़्यादा इसकी लेंथ अब हो गई है और हर पास के साथ में इसकी लेंथ बढ़ती जा रही है। देखिए वो ऊपर से कसेंगे उसे और पास पे रोलर्स आते हैं और इस बार वो और लंबा होके निकलने वाला है वहाँ से। और फाइनल स्टेज कैसी रहेगी? ऐसा फाइनल बन के तैयार हो जाएगा ये। अच्छा, ये इतना पतला होता है ये। अभी एक एक पाइप जो होता है, वो एक रिबिन होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 फीट से 20 फीट तक का आता है। जितना थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम ज़्यादा करके वो 15 से 20 फीट तक एक रिबिन बन जाता है। और ये क्या वज़न होगा इसका? एक रिबिन का वज़न आता है 450 ग्राम, 500 ग्राम, 650 ग्राम, 3 तरह के वो पट्टे होते हैं। मतलब 40,000 की? हाँ, चांदी उसमें होती लगभग लगभग 40,000। 1.5 किलो तक है। अच्छा, अभी हाथ में है वो। हाँ, 1.5 किलो तक है वो सब। ठीक है, अब अगला प्रोसेस देख। शुभम, इसमें ये शीशे का क्या काम आता है? अभी ये शीशा हम पिघला कर वो जो चांदी का पाइप बनाएंगे ढलाई करने के बाद, अभी हो हम शीशा उसमें डाल देंगे जिसकी वजह से हम उस पर ठुकाई करेंगे तो वो डिज़ाइन की जैसा शेप लेगा, टूटेगा नहीं। अगर एम्प्टी पाइप होगा तो वो फट जाएगा। अच्छा, इसलिए वो हम शीशा डालते हैं। शीशा थोड़ा मऊ होने के कारण वो उस पर शेप लेता है, वो डिज़ाइन जैसा चाहिए वो जो होता है मटेरियल लोहे का, वो उसके जैसा शेप ले लेगा। कि ये जो खोल होता है गहने का वो चांदी का होता है, उसके अंदर लेड भरा जाता है क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, वो हिट ले सकता है और वो शेप को फिर उस डिज़ाइन को वो रिटेन करेगा क्योंकि अंदर उसके कुछ है। और अब ये पाइप बना के दिखाने वाले हैं जिस तरह के पाइप्स को फिर आगे काम हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हुए होता है। ये देखिए, हाथ से ये उसके कॉर्नर फोल्ड कर रहे हैं, हाथ से कॉर्नर फोल्ड कर रहे हैं। रिबिन बना था वो उसके अभी कॉर्नर फोल्ड कर लेंगे। अगर उसके कॉर्नर फोल्ड नहीं हो गए तो वो पाइप बनने के बाद टूट जाएगा। अगर उसके कॉर्नर अच्छे से बन गए तो भी वो पाइप नहीं टूटेगा, वरना उसको दाग लगा के पैक करना पड़ता है और उस पर वो हम जैसा गोल करते हैं ना वो ऊपर नीचे नहीं होता, फिर उसको स्क्रू लगाना पड़ता है दाया बाया वो अलग अलग करने के लिए। अभी वो दिखा देंगे आपको पाइप बना के उस पत्रे का। ये अभी देख रहे हो आप, ये पूरा पाइप बन चुका है। अभी इस पर इधर डाग लगा के, इधर डाग लगा के इसमें शीशा वो
मेल्ट करके हम इसमें डाल देंगे तो वो भरियू बन जाएगा, और इस पर जो ठुकाई करके वो ऐसा इधर हम डिज़ाइन बना देंगे, और वो अभी इसमें शीशा डालने के बाद एक गोल कर देंगे हम, और ये ठुकाई होने के बाद ये ऐसा डिज़ाइन बन जाएगा। ये ऐसा डिज़ाइन चाहिए, और किसी को जो डिज़ाइन चाहिए होगा वो तरह से हम डिज़ाइन बना देंगे। तो हमने आपको चांदी का पाइप बनते हुए दिखाया था जो फाइनली गहना बनेगा, और जो हमने शीशे की लंबी लंबी रॉड्स आपको दिखाई थी वो शीशा अभी इसमें भर दिया गया है। तो शीशा या जो लेड है ये परमानेंट नहीं रहेगा, इसे निकाला जाएगा। ये अभी ये इसका सिर्फ डिज़ाइन देने तक के रहेगा, और ये ऑलमोस्ट अब जो हैंडीक्राफ्ट के लिए जो डिज़ाइनिंग होगी उससे पहले तक के पहुँच गया। तो ये काका अभी इसका बना के अच्छा उनके पास में एक दूसरा है। क्या नाम है शुभम ये डिजाइन का जो काका जी बना रहे हैं? वो अभी निमगोल में आएगा। अच्छा। वो ज्यादातर नॉर्थ के साइड में लोगों को पसंद आता है, वो राजस्थान के भाग। अच्छा, तो ये आप लोग बना के वो उधर भेज देंगे। और ये एक कंगन बनाने में इनको कितना टाइम लगेगा? एक 10 मिनट तक एक कंगन बनाने को उनको टाइम लगेगा। 10 मिनट में पूरा बना देंगे उसको? हाँ, वो 10 मिनट में डिजाइन पूरा बना देंगे। सही है, लेकिन मेहनत का काम है। एक एक छोटे छोटे, ज्यादा जोर से भी नहीं पड़ना चाहिए। ज्यादा जोर से पड़ गया तो वो कट हो जाएगा। अच्छा, वो खराब हो गया? खराब हो गया, वो थोड़ा सा भी उसमें क्रैक आ गया तो वो बाजू ही निकल जाता है। अच्छा, ये बताइए ये इतनी गर्मी में आप लोग काम करते हैं, वहाँ आटनी में मतलब वहाँ चांदी गलाई जा रही थी, सर्वाइव कैसे करते हैं आप लोग? यहाँ लोगों को जुकाम वुकाम होता है कि नहीं? जुकाम नहीं होता शायद ज्यादातर लोगों को यहाँ, और हीट का वो सबको आदत पड़ गई है। अब हीट के सिवाय हमारा काम ही नहीं होता, इसलिए वो सबको अभी आदत पड़ गया है हीट का। ठीक है, तो एक कंगन हमने जितनी देर में शुभम बता रहे थे लगभग ये रेडी हो गया है, उसका सर्कल अब पूरा करने ही वाले हैं कक्का। ये देखो ये इधर अंदर आधा आएगा, अभी ये आधा बन चुका है। इसमें और दो इधर एक इधर एक एक पैटर्न का डिजाइन आएगा, इसके एक छोड़ के एक एक पैटर्न का डिजाइन आएगा। कुल अभी इसमें 3 डिजाइन बनने वाले हैं अभी। अच्छा, तो 4 डिजाइन का मिलके एक कंगन बन जाएगा ये। अच्छा, ये 4 बार मतलब इसको ठोका पिटी होगी? हाँ, 4 बार ठोका पिटी होगी इसकी। तो काका जी ये छेनी ये कौन से मेटल, ये किस चीज की है? ये MS का होता है, माइल्ड स्टील का होता है वो। अच्छा, और ये बीच बीच में इसके दांते लगाते रहना पड़ता होगा? हाँ, वो उसको वर्क करना पड़ता है, वो थोड़ी देर बाद तो उसका शेप बिगड़ता रहता है। ये मतलब कितने समय समय पे इसका मेंटेनेंस करना लगता है, लेकिन सही है। ये लीजिए, और ये लकड़ी कौन सी है शुभम? ये लकड़ी कौन सा भी हो जो काम के लिए ज्यादा चलेगा वो बाबल, बाबल तो चलता है। अच्छा, ये बबूल की लकड़ी है? हाँ, बबूल की लकड़ी, बाबड़ी बोलते हैं यहाँ पे। तो ये बबूल की लकड़ी मतलब ज्यादा चलती है वो, उससे ज्यादा सागवान भी चलता है, शीशो भी चलता है, लेकिन वो महंगा होता है। हमारे यहाँ बहुत सागवान होता है। तो ये बन गया डिजाइन? हाँ, ये पूरा बन गया है। अब इसमें से ये लेड निकालेंगे कैसे? दिखाता हूँ, चलो आपको लेड निकाल के। काका ये क्या है? ये रेड अक्सर है, वो चांदी के नहीं पकड़ता है, छोड़ता है। तो आज शीशा डाला है ना, वो निकलता है। अच्छा, रेड ऑक्साइड में डुबाने से शुभम इसका फायदा ये है कि मतलब शीशा है ना वो चांदी को नहीं पकड़ेगा। अच्छा। और वो शीशा चांदी को पकड़ेगा तो शीशा जल्दी से पिघल जाता है। ठीक, तो चांदी को होल पड़ के आर पार हो जाएगा वो। ये जो शुभम नीचे ये लेड जमा होगा, अब ये दोबारा इस्तेमाल करेंगे? वो फिर से पिघला के हम फिर से इस्तेमाल कर देंगे, वो रीयूजेबल होता है। अच्छा। वो खराब नहीं होगा। 50 ग्राम खराब होता है, 50 ग्राम अच्छा रहता है, वो पूरा नहीं अच्छा रहता वो। अच्छा, ये 50 ग्राम पूरा खराब होता है। काका बता रहे हैं कि जो 100 ग्राम अगर लेड यूज करेंगे तो फिर 50 ग्राम दोबारा इस्तेमाल होगा। पचास तो जो खराब होता है उसका क्या करते हैं? क्या दिखाते हैं भाई, डॉक्टर जन लेते हैं, कोई आदमी लेता है ना उसे। अच्छा, स्क्रैप करके सब वो देता है, उसके देता है वो सभी। ठीक। गहने बनते हमने देख लिया, अब आखिरी चरण उसमें पॉलिश का होता है। शुभम कैसे पॉलिश की विधि क्या रहती है? अभी वो जो लेड निकाला हुआ पाइप है वो ये मशीन में जाएगा। होते हैं पहले इस टब में जाते, इसमें जाएंगे
और वो जाने के पहले थोड़ा सा एसिड में धो लेंगे और इसमें सिर्फ शैम्पू डाल के। कौन सा शैम्पू होता है? कौन सा भी होता है वो। ये देखो अभी ये पॉलिश के लिए स्पेशल मिलता है। अच्छा। और जब आपको एडजस्टमेंट के वो आप क्लिनिक प्लस भी यूज करते हो, ऑर्डिनरी कौन सा भी शैम्पू आप यूज, नॉर्मल जो बाल में लगाते हैं वो शैम्पू, कौन सा भी शैम्पू। और ये इसके अंदर ये सारी चीजें क्या है? ये वो स्टेनलेस स्टील के बॉल और पिन है। अच्छा, ये इनके बीच में चांदी का घर्षण होता है तो वो साफ होती है। और फिर ये अगला स्टेप ये है। हाँ, वो इसमें वो निकल काटूं तो खुद। ये देखो ये ऐसा साफ हो गया है। अभी वो सिर्फ पानी में जाएगा और इसका पानी निकाल देंगे आप। वो ये बन के तैयार हो गया और ये सूखने के बाद आप पहन सकते हो गए। अभी ये पूरा बन के तैयार हो गया। और ये एक ये जो ड्रम लगा है उसमें इसमें सुखाने का है माल, चांदी माल। अच्छा, वो अभी जो बन गया अभी वो इसमें पानी निकालने के लगेंगे, वो गर्म हो जाएगा। जो अभी वो धोआ हुआ चांदी है वो इसमें डाल देंगे, ये गर्म हो जाएगा। उसके बाद उसमें पानी भाप बन के निकल जाएगा, ठंडा होने के बाद आप पहन सकते हो। वो तैयार हो गया। तो इस तरह आपने देखा किस तरह चांदी का कुटीर उद्योग कोल्हापुर के गांव-गांव में काम करता है, हैंडीक्राफ्ट्स बनते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। हमारे लिए नई चीज़ या कहिए दिलचस्प चीज़ ये थी कि एक तो यहाँ पे जो आपसी ट्रस्ट है लोगों में, उसको देख करके हम बड़े प्रभावित हुए। यहाँ पे लाखों लाखों की चांदी ऐसे ही पड़ी रहती है, आंगन में बच्चे खेल रहे होते हैं और कोई ख़ास सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हमने अभी तक के तो किसी घर में नहीं देखे हैं। कुछ बड़ी फैक्ट्रीज में ज़रूर हैं जहाँ टनों चांदी का काम होता है। पूरा काम भरोसे का है और पूरा काम हाथ का, मेहनत का है। और उस तरह से ये जेवर बनाते हैं, कुछ यहाँ पहने जाते हैं, कुछ हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में पहने जाते हैं। और ये जो खटखट आप सुन रहे हैं यही इस इलाके की धड़कन है। कोल्हापुर के पट्टन कुड़ोली से प्रशांत के साथ मैं हूँ निखिल। आप देखते रहिए दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा।